नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं ये बताने वाला हूँ कि बहुत हमारे सब्सक्राइबर जो है कमेंट किए बोल रहे हैं कि भाई आप वीडियो कैसे शूट करते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास अभी तक कोई स्टैंड नहीं है, बिना स्टैंड का मैं वीडियो शूट करता हूँ। और कैसे करता हूँ, किस ट्रिक से करता हूँ, यहाँ पे सिलाई मशीन जो रिपेयरिंग करता हूँ उसे कैसे शूट करता हूँ, यानी कि जब मैं खुद रिपेयरिंग करता हूँ तो कैमरा कहाँ रखता हूँ, कैसे मतलब वीडियो को एडिट करता हूँ, कैसे बनाता हूँ, सब चीज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखते रहिएगा। देखिए वीडियो जो है हम यहाँ पे ही बनाते हैं, एक्सर करके यहाँ पे बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुर्सी रखते हैं इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पे बैठते हैं। तो ये जो मोबाइल है ये हम कहाँ पे सेट करते हैं, हमारे पास अभी कैमरा नहीं है, अभी हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास मोबाइल है। तो मोबाइल से कैसे सेट करते हैं, देखिएगा ये धागा का डिब्बा है जो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये धागा का जो डिब्बा है ऐसे हम रख लेते हैं और इस तरीके से यहाँ पे रखते हैं। देखिएगा इस तरीके से रखते हैं। भाई देखिए अभी स्टैंड नहीं है, अब स्टैंड आ जाएगा। अपने न्यू शोरूम में जब जाऊंगा ना तो वहां पे स्टैंड वगैरह कैमरा वगैरह सब कोशिश करेंगे लाने के लिए। आप सबका बस सहयोग रहेगा, सपोर्ट करेंगे तो आ भी जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अब यहाँ पे पीछे कैमरा के पीछे रखने के लिए कोई भी चीज हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा डिब्बा है, इसमें हमारा सिलाई मशीन रिपेयर के लिए कुछ सामान रखा हुआ है। इसके लिए कम से कम 1 किलो 1.5 किलो का है, तो इसे हम रखते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और इस तरीके से हम इसमें देख लीजिए कवर जो है इस तरीके का लगवाए हैं, देखिए फोल्डिंग वाला कवर, इस तरीके का कवर रहता है तो हमारा जो है वीडियो शूट करने में बहुत ही अच्छे से शूट होता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम इस तरीके से रखते हैं, यहाँ पे इस तरीके से जब रखते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए ये इस तरीके से रख देते हैं। देख लीजिएगा जब यहाँ पे इस तरीके से रख लेते हैं तो फिर मैं यहाँ पे बैठता हूँ और यहाँ पे बैठने के बाद में फिर इस तरीके से हम सेट करते हैं इसको। इस तरीके से सेट करते हैं जो पीछे का बैकग्राउंड हमारा इतना ही आए, पूरा ना आए इस तरीके से। तो जब यहाँ पे सेट कर लेते हैं तब फिर वीडियो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये भी दिखा देता हूँ, इस वीडियो में थोड़ा सा डाल देता हूँ कि ये सब इस तरीके से सेट करने के बाद किस तरीके का वीडियो आता है। तो चलिए देखते रहिएगा, हम वीडियो इस पे बनाते हैं थोड़ा सा। जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर हमारे कमेंट किए बोले कि भाई आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं और कौन सा स्टैंड यूज करते हैं जब आप सिलाई मशीन रिपेयरिंग करते हैं, यानी सिलाई मशीन आप खुद करते हैं तो मोबाइल कहाँ लगाते हैं, किस स्टैंड पे लगाते हैं, एक बार दिखाने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में पूरा मैं कंप्लीट दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे कैमरा सेट करता हूँ अपना वीडियो शूट करने के लिए, और इसके बाद में जब सिलाई मशीन रिपेयरिंग करता हूँ तो कैमरा कैसे सेट करता हूँ। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके और लाइक करके हम वीडियो शूट करते हैं। दोस्तों देख लीजिए हमारे पास तो स्टैंड भी नहीं है और कैमरा भी नहीं है, एक छोटा सा मोबाइल लेकर के इसी से शूट करता हूँ वीडियो। अभी तक तो मोबाइल से ही करता हूँ, आने वाले समय पे अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो हम कैमरा भी ले लेंगे और स्टैंड भी ले लेंगे। तो भाई साहब आप सब सपोर्ट करते रहिए। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि जब मैं सिलाई मशीन रिपेयरिंग करता हूँ तो कैमरा कौन से स्टैंड पे लगाता हूँ। वो स्टैंड जो है भाई मैं जुगाड़ से बनाया हूँ, खुद बनाया हूँ, मैं देख लीजिए दुकान से खरीदे नहीं है, इसके लिए हंसिएगा मत। तो चलिए देख लीजिएगा, आने वाले समय पे जरूर स्टैंड भी मंगवा लेंगे उसके लिए। चलिए वीडियो दिखाते हैं पहले स्टैंड किस तरीके से हम बनाए हैं। कैसे कैमरा जब चालू करके और यहाँ पे हम लगाते हैं इस तरीके से, देख लीजिए इस तरीके से हम यहाँ पे कैमरा हम लगाते हैं और इसके बाद में इसको इस तरीके से घुमा के सेट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से घुमा के सेट करते हैं कि जो मशीन हम रिपेयरिंग करें वो अच्छी तरीके से वीडियो आए। और यहाँ से हम चालू कर देते हैं वीडियो को इस तरीके से यहाँ पे जब सेट कर लेते हैं, देखिएगा दोस्तों, और यहाँ से सेट करने के बाद फिर हम यहाँ से चालू कर देते हैं। देख लीजिए चालू हो गया। अब यहाँ पे जब हम कोई भी चीज़ रिपेयरिंग करेंगे या कोई भी चीज़ खोलेंगे बनाएंगे यहाँ पे अच्छी तरीके से कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है और इसके बाद ये वीडियो वो वीडियो सब मिला करके एक करके मिक्सिंग करके फिर वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए मिक्सिंग कैसे करते हैं ये भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। मिक्सिंग जो है मतलब वीडियो को एडिट कैसे करते हैं, कौन से वीडियो से कौन से एप्लीकेशन से करते हैं, ये चीज़ भी देख लीजिए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जब हम वीडियो एडिट करते हैं तो हम काइन मास्टर से करते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा स्टैंड है, इस तरीके से रख लेते हैं। और रखने के बाद भाई यहाँ से आके दिखा दो एप्लीकेशन जो दिखा दो, यहाँ पे देख लीजिएगा काइन मास्टर है, देखिएगा यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन है और काइन मास्टर से हम वीडियो एडिट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा काइन मास्टर से एडिट करते हैं। अभी हमारे पास लैपटॉप नहीं है
इस तरीके से हम काइन मास्टर से करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, काइन मास्टर पे सब चीज़ आ गया है। अब यहाँ से हम वीडियो लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ से हम वीडियो ले लेते हैं। और यहाँ से एडिट करने के लिए हमें पहले वीडियो डाउनलोड होगा, फिर इसके बाद इसका वीडियो जो है एडिट होगा। तो अभी देख लीजिए ये डाउनलोड हो रहा है, और काइन मास्टर से ही वीडियो एडिट करके फिर अपलोड करते हैं, बनाते हैं। तो फिलहाल आप तो समझ गए होंगे, अभी तक ज़्यादा हम खर्चा नहीं किए हैं, जो वीडियो बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं किए हैं, जो अभी तक मैं YouTube से कमाया हूँ भाई साहब, जो अभी तक मैं YouTube से कमाया हूँ बस शोरूम बनवाने में लगा दिए हैं। तो बस जल्द ही आप शोरूम भी देखने वाले हैं। अगर कुछ सब्सक्राइबर हमारे हैं जो हमारा शोरूम जो है देख चुके होंगे, और जो नहीं देखे हैं भाई हमारे ब्लॉग चैनल पर जाइए, रवि ब्लॉग 22 चैनल आप खोलिएगा, तो वहां पे जो हमारा शोरूम है उसका वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो जो भी मैं अभी तक YouTube से अर्निंग किया हूं, अभी तक कैमरा वगैरह स्टैंड वगैरह ये सब नहीं लाया था, मैं सोचा था कि पहले शोरूम बनवा ले फिर इसके बाद सब चीज लाएंगे। तो शोरूम दोस्त बनवा लिए हैं, इस समय पेंटिंग का काम चालू है, बस जल्द ही वहां पे शिफ्ट होने वाले हैं। और जो भी वीडियो अगला आएगा कुछ दिन के एक महीने के बाद जो वीडियो आएगा सब हमारे शोरूम के ही वहां पे शूट करेंगे, वही वीडियो आएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे कुछ अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।